हाय, हम लोग इस कोरोना के चक्कर में घर में फंसे हुए हैं। देर इज लॉकडाउन, वी आर नॉट एबल टू गो आउट एंड वी हैव टू सी द फेसेस ऑफ द सेम पीपल अगेन एंड अगेन। सम ऑफ दीज पीपल आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल जिनको हम देखना नहीं चाहते हैं, मे बी इन आर हाउस और मे बी पड़ोस में, मे बी ऑफिस में, मे बी कहीं भी। नाउ दीज पीपल जब वो हमारे सामने आते हैं, या तो कुछ कह जाते हैं, या फिर हमेशा कुछ कहते हैं, या फिर उनकी शक्ल ही ऐसी है जिनसे हमको एक अजीब सी फीलिंग आती है, मूड खराब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है। आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि इसको कैसे चेंज करें, कैसे अपना मूड खराब ना होने दे जब भी ये पर्सन कभी आए या कुछ बोले या रहे। सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आपको ये करना है कि नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि ये चेंज हो। बहुत लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, हाँ ये तो, हाँ बहुत परेशानी है तो खैर, लेकिन कर क्या सकते हैं। जब मैं उनको बताती हूँ कि हाँ इसको चेंज कर सकते हैं, फिर भी वो कहते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता ये तो चेंज होगा। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको चेंज चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो मूड खराब हो जाता है, ये आपका मूड खराब होना चाहिए या आप उसको चेंज करना आना चाहिए, ये सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए। हाँ, तो क्योंकि आप रेडी है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जब उस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, फुल्ली उसको याद कीजिए, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, और जब वो सामने आते हैं तो क्या महसूस होता है। हाँ आंखें बंद कर सकते हैं आप। हाँ कीजिए एक्सेस उसको, बहुत अच्छे से एक्सेस कीजिए अच्छे से। हाँ दैट्स राइट। और जब आपको वो नजर आ रहे हैं और उनकी वो बातें सुनाई दे रही है और साथ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील हो रहा है ना, उन सब चीज़ों को एक्सेस कीजिए। अब हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम इस चीज़ को एक्सेस करते हैं तो हमें एक पिक्चर नज़र आती है उस इंसान के खड़े होने की, वो कुछ बोलने की, राइट? तो आप बता दीजिए कि वो कहाँ पे है वो पिक्चर। जैसे अब मैं जब एक्सेस करती हूँ तो वो यहाँ पे है, ये पिक्चर है, हाँ यहाँ पे खड़ा है वो, ठीक है, और ये ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, हाँ क्यों बोलते हैं ये, ठीक है, तो ये मेरी पिक्चर है यहाँ पे, ओके। हाँ तो ये हो गया, पहले हमने पता कर लिया कि ये पिक्चर कहाँ पे दिख रही है, कितनी दूरी पे है, क्या वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है, ये सब हमने जान लिया, ठीक है। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। अब जब ब्रेक लेते हैं तो क्या करेंगे हम, कोई चीज उठा लो। चलो ये मेरे पास एक पेन है, पेन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कैमलिन कोकोयू। ये कहाँ की हो सकती है, तो इंडिया, कैमलिन तो इंडिया की कंपनी है, लेकिन जापानीज नाम क्यों, अरे इस पे तो रशियन में भी लिखा हुआ है। बड़ी अजीब सी बात है। हाँ तो हो गया ब्रेक, मैं हो गई फ्रेश, आप भी फ्रेश हो गए। चलो अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अच्छा अब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अच्छी लगती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। मुझे तो रसगुल्ला पसंद है। आहा, रसगुल्ला याद करते ही एक पिक्चर और आती है मेरे दिमाग में। आपको क्या पसंद है उसको याद कीजिए। आ गई ना वो चीज सामने, कहाँ है वो, उसका जरा डायरेक्शन बताइए किस तरफ है। मेरी प्यारी चीज इस डायरेक्शन में यहाँ पे है। हाँ थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट सी है, आपकी शायद कलर हो, देख लीजिए उसके डिटेल्स नजर आ रहे हैं आपको, कितने डिस्टेंस पे है आपसे। सही, बहुत सही। अब हम करते हैं मैजिक, आबरा का डाबरा। अब ये जो प्यारी चीज की जो फोटो नजर आ रही है या मूवी नजर आ रही है, उसको लेते हैं पकड़, पकड़ लिया उसकी फ्रेम जितनी है ना, उसको साइड से पकड़ लिया जरा ताकि वो स्लिप ना हो, और उसको ले आइए अपनी पुरानी पिक्चर की तरफ, फास्ट जल्दी से, हाँ देर नहीं करना, लीजिए पकड़िए और मूव कीजिए और उसके साथ उसको मर्ज कर दीजिए। किया, चलो फिर से करते हैं। नई वाली जो पिक्चर है, अच्छी चीज की पिक्चर, उसको फ्रेम से पकड़िए और फास्ट मूव कीजिए और पुरानी वाली पिक्चर के साथ मर्ज कर दीजिए। सेम कलर, सेम सब कुछ, सब सेम हो गया है दोनों का, राइट? अब क्या होता है, अब क्या होता है देखिए, जब उस इंसान के बारे में आप सोचते हो, सोचिए एक बार फिर से, वो जब वो बोलते हैं, क्या हो रहा है, क्या कुछ बात बनी? अगर बात नहीं बनी तो दूसरा काम करते हैं। चलो एक और चीज के बारे में याद कर लेते हैं हम। पहले
पूरा शेक ऑफ कर लेंगे सारा, शेक 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 के फ्रेश हो जाएंगे सबसे पहले तो। और एक अच्छी चीज़ के बारे में सोचते हैं, मुझे बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है? बटरफ्लाइज मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, राइट, ओके, तो ये पिक्चर है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरी पुरानी वाली पिक्चर है ये यहाँ पे, उसको मैंने फ्रेम से पकड़ा और जल्दी से यहाँ पे लेके आई और यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। क्या होता है देखो, दोनों एक जैसी हो गई। फिर से ये जो इंसान के बारे में मैं सोच रही हूँ वो पिक्चर फिर आ गई, उसको पकड़ा फ्रेम से और खींच के यहाँ पे लेके आई और मर्ज कर दिया। देखिए क्या हो रहा है, फिर से सोचिए उस इंसान के बारे में। कुछ बात बनी। ये और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स मुझे आते हैं जिससे मैं लोगों को निजात देती हूँ उनकी समस्याओं से। तो आप या फिर आपके कोई पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हैं जिनको किसी समस्या से निजात की ज़रूरत है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए और ये सलूशन इतने आसानी से खेल खेल में आ सकता है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋचा भाके और मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ, तो ये सब टेक्निक मैं आपको सिखा भी सकती हूँ। मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम से, जिसका एड्रेस यहाँ पे दे रखा है।